मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ देव सिंह और आप सबको ईद की ढेरों शुभकामनाएं। खूब सेवइयां खाएं और ईद मनाएं। मसालेदार फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, फिल्म है, रोमांस है, या गाने आने अच्छी है। I'm not a negative role in film. Avdesh Mishra ji villain hai film mein. विनोद खन्ना, तुम्हारा काम देख के इतना खुश हूँ कि मैं आगे तो सो सकता हूँ, कोई भी रोल सो सकता हूँ। तो एक एक्टर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव आई डोंट थिंक सो कि दायरे में बंधा रहना चाहिए। कल्लू के बारे में कुछ कहेंगे आपने उनके साथ आप दोनों? बाकी फिल्मों में हम लड़ते आए हैं, वो मैं विलेन रहा हूँ। आने वाले समय में बहुत बड़े स्टार हूँ। काजल राघवानी की जोड़ी शायद पहली बार कल्लू के साथ स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, आपको क्या लगता है कि दोनों की जोड़ी जो है जो दर्शकों को पसंद आएगी ये जोड़ी? दोनों की केमिस्ट्री बड़ी नोकझोंक वाली है फिल्म में, तो जैसे एक सारी जुड़ेगी। हाँ हाँ
मेरी भी एक हीरोइन इस फिल्म में, उनका नाम है लीजा, नाम है लीजा रे, सॉरी लीजा नाम है उनका, कितनी सुंदर होंगी, पर हमारे बीच में ऐसा कोई रोमांस होता, लेकिन है सीन है बट न कोई गाना हमारे बीच में, और ये है कि हीरोइन है। जी बहुत गंभीर पुलिस वाला हूँ, बहुत गंभीर, बहुत, और मैं काम को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से करता हूँ, अपना काम लिखता है, और इसलिए मैं गुस्से वाला हूँ इसमें, और इसी के चक्कर में कल्लू और मेरी उनकी हमेशा लड़ाई होती है, क्योंकि कल्लू हमेशा आते हैं काम बिगाड़ देते हैं, मैं जब पकड़ने जाता हूँ किसी गुंडे को तो उसको भगा देते हैं, तो ये भाइयों की नोकझोंक है, कल्लू जी को लगता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ तो मेरी घर में ज़्यादा रिस्पेक्ट है, मेरी माँ अनिता रावत जी जो बनी कमाल के अदाकारा हैं वो, तो उनको लगता है कि मैं पुलिस वाला हूँ इसलिए घर पर, जबकि वो शरारती करते रहते हैं, बहुत शरारती है फिल्म में। अशोक सर के बारे में कुछ कहेंगे, उन्होंने पहले भी एक फिल्म की है रवि जी के साथ, अब दूसरी फिल्म आपके साथ। पहले बैरी कंगना 2 बनाई थी, और उसके पहले इसका नाम मैं कल्लू, मैं अशोक जी के साथ ये फिल्म किया था, ये लोग के लिए बहुत जो कि ऑलरेडी हीरो इंडस्ट्री में, लेकिन अचानक पता नहीं जब उन्होंने मुझसे मिला, जब मुझसे मिले तो उनको लगा शायद मैं रोल कर सकता हूँ, बखूबी निभा सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया, बोला कर सकते हो ना पॉजिटिव रोल, मैंने कहा सर मैं तो एक्टर हूँ, कुछ भी आप बताएंगे कि मैं कैसा कितना खरा उतरा उसके ऊपर, जो मैंने बताया उन्होंने फ़ोन करके मुझे, मैंने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है, लेट्स सी आगे क्या होता है, और अशोक जी बहुत ही अच्छे नेक इंसान है, बहुत ही काम अपने काम को बड़ी सादगी से और बहुत मेहनती मेहनत से उसको फ़ोन करते हैं, हमेशा फोकस रहते हैं अपने काम में, अपने काम को लेकर सेट पर, इधर से उधर इधर से उधर, पूरा एक इन्वायरमेंट जो सेट का होता है बहुत लाइट होता है उनके साथ, बहुत खुशनुमा माहौल रहता है उनके साथ, बहुत अच्छे हैं अभी, और उन्होंने मुझे अपनी अगली फिल्म के लिए बोला है, तो अशोक जी को मैं यही बोलूँगा कि अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं और खूब फिल्में बनाएं, अच्छी फिल्म। रवि जी को और मनोज जी तो ये दूसरी बार सांसद बने हैं, हमारे रवि जी पहले बने हैं, तो उन दोनों से उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए जितना हो सके कीजिए, इस इंडस्ट्री से काफ़ी लोगों का घर चलता है, तो भोजपुरी सिनेमा होना चाहिए, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, क्योंकि आप दुख भरा रहा दिनेश जी जीते, हम तो चाहते थे कि दिनेश जी जीते, बट दिनेश जी इस बार बहुत अच्छा लड़े हैं, अगली बार वो जरूर जीतेंगे। जी जी बिल्कुल, कुली नंबर 1 में मैं खुद अच्छे बढ़िया किरदार में हूँ, और भोजपुरी में एक बढ़िया मुद्दे पर फिल्म बनी है, ज्वलनशील मुद्दे पर फिल्म बनी है, तो पूरी टीम खास करके लालू पंडित जी को, सुरेंद्र प्रसाद जी निर्माता को, और खेसारी जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट उठाया है, और भोजपुरी दर्शकों के लिए मैं लालू पंडित जी के साथ मैंने राजा जानी में भी काम किया था, और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इस तरह के ही मुद्दे पर फिल्म बनाएंगे, अच्छे अच्छे मुद्दे पर फिल्म बनाएंगे, और बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, मैं तो उस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, उसमें मेरा भी किरदार बहुत अच्छा है, उसमें मैं नेगेटिव होता हूँ फिर पॉजिटिव हो जाता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब ये फिल्म को देखें, और मेरा दावा है कि आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं इतना ही बोलूँगा, मैं गाना गाऊँगा तो मेरी आवाज़ लगता है कि मैं सिंगर हूँ, मैं ऐसा काम ही नहीं कर पाऊँगा जिसमें मैं 100% न दे सकूँ, तो सुनते रहिए, जब अगर गाना गाऊँगा तो पता चल ही जाएगा।
बस फैंस को इतना ही बोलूंगा, आप सब जिस हिसाब से मुझे प्यार दे रहे हैं देते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे रोल करूं, ऐसे कोई रोल ना करूं जिससे आपको हर्ट हो, और पूरी कोशिश है कि मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनूं ताकि आप सबका प्यार मुझे मिलता रहे। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।